जी 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 आपका सुन ला। हाँ, त्रिलोचन बारिक। अच्छा त्रिलोचन जी, हाँ बताइए। हाँ, तो मुझे ये कहना है आपका आपका क्या ख्याल है सर शर्मा के बारे में, उनका नेचर एटीट्यूड आपको कैसा लगता है? ख्याल मतलब किस टाइप के आप ख्याल पूछ रहे हैं? जैसे नेचर बिहेवियर, उनका जो मोटिवेशनल स्पीकिंग कैसा लगता है आपको? देखिए एक चीज आपको बताऊं, व्यक्तिगत रूप से उनको हम कुछ नहीं जानते हैं, रियल फैक्ट आपको बता रहे हैं। हाँ कभी कभी उनका जो है कुछ YouTube पे वीडियो वगैरह मिल जाता है, जैसे बहुत सारे तमाम लीडरों का वीडियो आता है, विवेक बिंद्रा हो गए, सोनू शर्मा हो गए, उज्जवल पटनी हो गए, तो इन लोगों का मोटिवेशन वीडियो जो है अलग अलग जगह पे, अपने जगह पे सारे लोग सही हैं, ठीक है। हाँ नहीं, इसका मतलब आप उनका वीडियो वगैरह देखा है, राइट? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का काम अभी कर रहे फिलहाल, और पहले मैसेज कंपनी में करते थे। ओके, वो उधर ही 22-25 लाख तक कमाते थे महीना में, और वहाँ से वो देखा वेस्टिज एक अच्छा करके बेटर देखा, तो वेस्टिज में आके अभी 6 महीना हुआ। क्यों वेस्टिज में आया वो मैं बताना चाहता हूँ, वो इंडियन कंपनी है और ऑलरेडी 10-12 कंट्री में जाकर फैला हुआ है, आने वाला 5 साल में और 50 कंट्री हो जाएगा, और इनका जो टारगेट है 1 साल का अंदर अंदर 1 करोड़ तक कमाएंगे, यही एम लेके वो वहां से छोड़ के इधर वेस्टिज में आ गए और ये कंपनी करे, और हम लोग उनका ग्रुप में शामिल है। मेरा कहना ये है, जैसे इतना बड़ा लीडर है, इतना इंडिया का ब्रांड है, अगर हम उनका साथ में मिलके कुछ ऑर्गेनाइजेशन का उनका जो डायरेक्शन मिलके काम करेंगे, तो हम भी उनका पीछे पीछे आगे बढ़ सकते हैं। बराबर, यही लॉकडाउन पीरियड में वो आज ही यूट्यूब जूम मीटिंग में बता रहे थे, ये 6 महीना तक ऐसा कोरोना जो सिचुएशन रहेगा, बाद में कुछ नौकरी नहीं रहेगा, कुछ बिजनेस का भी बहुत डाउन हो जाएगा, तो इस क्षेत्र में वेस्टिज एक ऐसा है, बारिश में छता जैसा, हम इसको लेकर कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग अभी से प्लान कर सकते हैं। तो आपको मैं, हाँ तो आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप सर अभी क्या काम करते हैं, बिजनेस या? सर हम बिजनेस करते हैं, नेटवर्किंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं सर। अच्छा, कौन सा कंपनी आप नेटवर्किंग करते हैं? सर अभी तो रियल एस्टेट अपना चलता है, रियल एस्टेट का काम होता है, उसके साथ साथ अभी एक कंपनी के बारे में स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है एटोमी। एटोमी सर, एटोमी वो फॉरेन कंपनी वाला है ना? जी 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 जी। अच्छा अच्छा, कैसा उसमें कौन सा लेवल आपका? अभी लेवल वेवल तो कुछ नहीं है सर। अच्छा, अभी तो कंपनी लॉन्च नहीं हुई है। जी मैं सच्ची बात बताना चाहता हूँ, अभी जितना भी फॉरेन कंपनी है ना, फॉरेन का, हमारा इंडिया से फॉरेन अभी बहुत बेकार कंडीशन है, क्योंकि इंडिया में जितना नुकसान नहीं है ना, फॉरेन में अभी ज्यादा नुकसान है, बहुत बहुत प्रॉब्लम है। जैसे इंग्लैंड हो गया, जापान, जर्मनी, इटली, बहुत ये लोग का ये हुआ है, तो वो लोग का कंपनी भी इंडिया में ना इतना चलेगा करके मुझे नहीं लग रहा है, राइट? हाँ, तो हमारा जो इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, इधर प्रोडक्शन होता है, इधर कंज्यूमर, तो इंडिया में इतना इफेक्ट होता नहीं है कोई भी चीज, सडन कुछ मंदी आता नहीं इंडिया में, बराबर? तो इंडियन कंपनी है वेस्टी, इसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं, और हम यही इंडियन कंपनी के साथ काम करेंगे ना, हम ग्रो कर पाएंगे। सर वेस्टी, एक बात बताइए सर। हाँ, आपसे 2-3 सवाल हम करना चाहते हैं। राइट राइट, कीजिए कीजिए। वेस्टीज में आप कब से काम कर रहे हैं? वेस्टीज में मैं बताता हूँ, मैं वेस्टीज में 1 साल से काम कर रहा था, एक दूसरा ग्रुप का साथ था, बराबर? अच्छा। वो लीडर बहुत लंबा था, तो मेरा कम्युनिकेट इतना हो नहीं पा रहा था, मैं आगे ग्रो कर नहीं पाया, डायरेक्टर बन नहीं पाया। जैसे मेरा उधर के नजदीक एक फ्रेंड बोला कि आप कौन सा कंपनी में, वेस्टीज, तो बोला मैं अभी रिसेंटली सोनू शर्मा जी का टीम में आया हूँ, आप भी आ जाइए, मैं उनका साथ अटैच हो गया। और इसमें जो देखा ना, क्या खासियत मैं बताता हूँ बाकी टीम से, पहला खासियत है जो पुष्कराज यूट्यूब में आता है ना, जो मोटिवेशनल स्पीकर, वो एक नेटवर्किंग का कोर्स देता है, बांगर नेटवर्किंग पता रहेगा आपको, 18,000 का कोर्स, यही कोर्स ना काफी लोग किए हुए इधर सोनू शर्मा जी के पास, और उनका पास वो सब लिंक है, वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमको 18,000 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जो कि नेटवर्किंग सीखने के लिए। हम आपसे ये सवाल किए थे, पहला सवाल किए थे कि आप कब से वेस्टिज में कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, एक उसका आंसर है 1 साल से पता है, बट इधर आके अभी मेरे को 1.5 महीना हुआ। अच्छा, इधर 1.5 महीने से आप वेस्टिज कर रहे हैं? राइट, okay? राइट। तो वेस्टिज आप क्यों कर रहे हैं, किसको देख के कर रहे हैं? मैं वेस्टिज, व्हाई टू डू वेस्टिज,
उसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हमारा ये ओडिशा का एक था चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसका नाम है सुदर्शन मांझी। आप यूट्यूब में मारेंगे ना बेस्टी सुदर्शन मांझी, वो मालूम पड़ेगा जी। वो बेस्टी बहुत देर साल काम किया जी, बहुत बड़ा टीम खड़ा किया, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला है तो उसका लेवल थोड़ा बड़ा होता है ना, तो उनका जो जो नियर डियर रहेंगे वो तो स्टेटस वाला ही रहेंगे। तो वो ऐसा बड़े बड़े लोग का ऐसा टीम बनाया बहुत बड़ा, और उनका इनकम 8.5 लाख था। तो उसका बाद क्या हुआ, उनका अनफॉर्चुनेटली ऊपर वाले का क्या था, वो रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया उनका। बराबर, जैसे डेथ हो गया उनका, वाइफ था, दो बच्चा थे, एक लड़का लड़की। अभी डेथ होके कितना दिन हो गया, कम से कम 3 साल होने का है। अभी 8.5 लाख कमा के वो छोड़ के गए, अभी उनका घर में 15 से 16 लाख आसपास अभी इनकम आ रहा है। आप बताइए कौन सा कंपनी, कौन सा गवर्नमेंट, कौन सा इंडस्ट्री जो की आदमी कोई नहीं होते देगा क्या? जी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हैं आज बॉलीवुड का लुक भी आ रहा है, क्योंकि पिक्चर में आज काम कर रहे पैसा आएगा, कल नहीं करेगा तो नहीं आएगा। और कंपनी का जो जो इंडस्ट्री गाला खोल के बैठा है ना, वही लुक भी आ रहे है इसको ही देखे। और ये भेस्टीज को देखे क्यों आ रहे, क्योंकि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी हुआ है और वर्ल्ड में 3rd रैंक में आ रहा है, ये बंद होने वाली कंपनी नहीं है। बराबर, नहीं नहीं सर, हम आपको एक बार भी ये बात नहीं कहे हैं कि वेस्टीज बंद होने वाली कंपनी है या वेस्टीज बढ़िया कंपनी नहीं है, ठीक है। हम आपसे आपका व्हाई पूछे हैं कि आप वेस्टीज को क्यों कर रहे हैं। राइट, वही इसलिए आते हैं क्योंकि ये हमको तो बहुत बड़ा, हाँ आपने हमको ये बताया कि भाई आप जिसके साथ जुड़े हुए थे वो बंदे का देहांत हो गया, और देहांत होने के बाद नहीं मैं जिसके साथ जुड़ा था, मैं एक एग्जांपल दिया, वो जैसे इंसान जुड़ने देहांत होने के बाद में भी घर पे पैसा थे, मींस इतना इतना, इतना बड़ा सिक्योरिटी है और इतना बड़ा पैसिव इनकम है, उसको ही मद्देनजर रखते हैं काम करना। आपको बता दें कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री में जो भी रेपुटेड कंपनियां हैं सभी कंपनियों में ये रॉयल्टी मिलता है सर। राइट राइट, हाँ हाँ, तो फिर जी क्यों इसीलिए क्यों, क्योंकि आप जितना कंपनी देखिए उसमें कोई ग्लोबल फील्ड में नहीं, ये एक ही लोग की कंपनी है जो कि 30 नंबर सीरियल मार्क में, कोई और एक भी कंपनी नहीं कहते। आपको बता दे बहुत सारी कंपनियां है जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है, 50 नंबर का अंदर दिखा है जो इंडिया में काम कर रही है। 50 ये कह सकते हैं इंडियन कंपनी नहीं है। हाँ राइट राइट, मेरा वर्डिंग मिस्टेक हो गया, सही सही आपने। हाँ, नहीं तो एमओएन इंडिया, फॉरएवर, डीएक्सेंट, यान, राइट, 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 सब तो ग्लोबल लेवल की कंपनी है। हाँ, हाँ, हाँ। तो लेकिन आपने वेस्टीज को क्यों चुना है? ये हमारा इंडियन कंपनी है, हमको इंडिया को सपोर्ट करना, इंडिया पैसा इंडिया में रहना। ये सब बात अगर आप किसी आम नया जो लोग इस लाइन में फील्ड में है उनको अगर ये सब बात कहेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक। क्योंकि देखिए हम आपको एक छोटा सा सवाल करना चाहते हैं, बोलिए कि आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? अपना परिवार, अपना फैमिली, खुद को, खुद का सब कुछ। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही आप प्यार करते होंगे सबसे ज्यादा? पहले खुद से क्रिएट होकर परिवार तक आता है। नहीं सर, हम आपको हमारी सवाल को समझिए, हम आपसे पूछे कि सर आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? अपना जान को, अपना अपने को। करेक्ट, यानी अभी अगर भूकंप आएगा या कहीं एक्सीडेंट होगा या घर गिरने वाला है तो सबसे पहले हम निकलेंगे, उसके बाद अपने परिवार को बचाने की कोशिश करेंगे। राइट राइट, अगर हम निकल गए तभी जाके परिवार को बचा सकते हैं। राइट राइट, ओके। जब इस चीज को हम लोग बचा लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग पड़ोसी के बारे में सोचते हैं। राइट राइट, उसके बाद हमारे जो नजदीकी जो लोग हैं, हमारे रिलेटिव वगैरह, भाई बहन आदि जब उनके बारे में सोचते हैं, उसके बाद हम लोग जिले के बारे में सोचते हैं। हाँ राइट राइट, उसके बाद हम लोग देश के बारे में सोचते हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब मैं समझ गया, आप कौन सा एंगल में करना चाहते, समझ गया मैं। पहले खुद के बारे में सोचिए, बाद में देश के बारे में सोचना। देखिए सर, अगर हम कहीं से अगर हम अपने पास बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं तो नो डाउट हम देश को मदद कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ओके राइट राइट राइट। दूसरी बात यह है कि सिर्फ हम स्वदेशी कहें और स्वदेशी फॉर्म पे काम ना करें, सिर्फ एक विषय पे स्वदेशी कहें, जैसे बहुत सारे नेटवर्कर कहते हैं, ये सब बहुत बात हम सुन चुके हैं, ठीक है। और बाकी जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप जो है इंडियन है नहीं, फेसबुक यूज करते हैं फेसबुक इंडियन है नहीं, गूगल पे हम लोग जाकर सर्च करके दिखाते हैं वो भी इंडियन नहीं है, यूट्यूब पे जो वीडियो हम लोग देखते हैं वो भी इंडियन नहीं है, हम लोग घर में जो सैमसंग LG टीवी चल रहा है वो इंडियन नहीं है, जो मोबाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इंडियन नहीं है। यानी सुबह से लेकर शाम तक
80% सामान हम लोगों का इंडियन नहीं है, भले उसका मैन्युफैक्चर हब यहाँ का है, यह बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप किसको किसको हटाएंगे, बात समझिए, अगर इस तरीके से बातचीत होगा तो सारे लोगों को हटाना पड़ेगा, और जब सबको हटा देंगे ना तो फिर आपके हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सर सर मैं एक बात बोलता हूँ, एक मिनट सर, एक मिनट सर, इसके बाद देखिए अभी मोदी जी 300 कंपनियों को इन्वाइट कर रहे हैं इंडिया में लाने का, इन्वाइट कर रहे हैं, जो चाइना से 1000 कंपनियां उठ रहा है ना उसमें 300 कंपनी को इंडिया में बुला रहे हैं। अच्छा, क्यों बुला रहे हैं कि ये 300 कंपनी इंडिया में जब आएगा तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा, राइट राइट, और हम लोगों को रोजगार मिलेगा तो हम लोग खुशहाल रहेंगे। अब मान लीजिए सभी कंपनियों को यहाँ से अगर हम लोग हटा दें, ओके, तो फिर क्या होगा, और अपना इकोनॉमी डाउन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। दूसरी बात, सिर्फ इकोनॉमी डाउन नहीं होगा, आप हम जी भी नहीं पाएंगे सर। अभी देखिए टोटल मार्क्स वगैरह जो भी कोरोना की वजह से जो भी इंस्ट्रूमेंट आ रहा है सब बाहर से आ रहा है, तो हम लोग स्वदेशी स्वदेशी करके उसको अगर ना मंगाए तो हम लोग मर जाएंगे सर। तो ये सब चीज, ये सब लॉजिक ठीक है, जहां आपको फायदा है वहां पे आप यूज करेंगे, हाँ ठीक है, मेरा, मेरा लेकिन हाँ, लेकिन इस चीज को हटा के बाकी टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं सर, क्योंकि इस टॉपिक में कोई दम नहीं है सर। मैं सीखने को मिला, आपसे सीखने को मिला, अच्छा लगा, क्योंकि जो आप बोले सही बोले, बाकी चीज तो हम बाहर का यूज करता ही है। क्योंकि देखिए हम लोग इतना गरीब इंसान है जो हमको रीजनेबल अच्छा लगता है, जो कंपनी ये आप बात कहें कि आपके सुटेबल जो कंपनी है, उसी में काम करते हैं हम। जी 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 जी, अच्छी बात है, हाँ, और ये सबसे करते हैं। जैसे एग्जांपल देगा कि इतना ये महंगा है, तो अपना रेंज के हिसाब से अपने इसको अच्छा लगा तो इसीलिए कर रहा है, यही है आंसर, यही आंसर अपना। और आप, और आपका क्या चल रहा है, मीन एटोमिक के ऊपर ज्यादा फोकस से लगता है सर? आपको बता दे, एटोमिक को हम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक है। हम चाहते तो वेस्टेज भी कर सकते थे, IMC भी कर सकते थे, इंडिया में बहुत सारी कंपनियां थी, कर सकते थे, लेकिन उसको ना करके, ये सारी कंपनियां बढ़िया है सर, हम ये नहीं कहते हैं कि वेस्टिज खराब कंपनी है, वेस्टिज भी अपने जगह पे बहुत अच्छी कंपनी है सर, बहुत अच्छी कंपनी, नो डाउट सर। वेस्टिज के CMD को, गौतम बाली जी को हम थैंक्स देना चाहते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा कंपनी बनाया और इतने सारे लोगों को रोजी रोटी दी है, राइट राइट, ये तो सही बात है, इस बात से हम आपसे सहमत है। लेकिन सर जानते हैं अपनी अपनी सोच, अपने अपने ओपिनियन होता है, ओके, बात एक देखिए, दूसरे की गलती को देख के अगर आप अपना गलती सुधार लेते हैं तो इसी में चालाकी होता है, राइट राइट, सही बोले, और ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है और आप किस लेवल पे कमाना चाहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बराबर। अब जैसे भेष्टिज में आज से अगर 17 साल पहले अगर हम जुड़ गए होते हैं तो नो डाउट इतना है कि 50 लाख 60 लाख नहीं कमाते, लेकिन 5-6 लाख तो हम कमा लेते सर, इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस है 10-15 साल में, ठीक, हाँ, हाँ, कमा लेते। लेकिन आज के डेट में अगर वेस्टिज में हम जुड़ के काम करेंगे तो सर हम काम तो करेंगे, लेकिन इस शुरुआती दौर में जो लोग जुड़ के जो अचीवमेंट कर लिए है ना, वो अचीवमेंट जो है हमारे सर पे नहीं लगेगा। ये अचीवमेंट किसके सर पे लगेगा हम बता दे रहे हैं, जैसे सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, इस तरीके के जो पावरफुल व्यक्ति हैं, नॉलेज वाले व्यक्ति हैं, जिनके फॉलोअर हैं लाखों लाखों, वो लोग कहीं भी जाएंगे तो उनको देख के कम से कम 50,000 लोग चले जाएंगे, ठीक, वो लोग सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन वहां पे हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमको अगर वहां पे सक्सेस होना है, क्योंकि देखिए सारा जो मतलब मोटिवेशन जो स्पीकर होते हैं ना, वो सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, उसके बाद आपके हमारे बारे में सोचते हैं। वो तो सही है। तो सबसे पहले अपने आप को अपने बारे में सोचना है कि हमारी बेनिफिट क्या है। तो सर एटोमी अभी इंडिया में लॉन्च हो रही है, अभी ये लॉन्च भी नहीं हुई है, 18 तारीख को, अगले महीने में 18 तारीख को लॉन्च होगी। लेकिन एटोमी तो काफी लोग कर रहे हैं सुना, बता रहे हैं सर, बता रहे हैं, वही तो बात कह रहे हैं कि एटोमी अभी लॉन्च हो गई। तो आप सोचिए कि आज से 10-15 साल पहले चले जाइए, एमओ इंडिया, वेस्टिज, ओरिफ्लेम, जो भी कंपनियां शुरुआती दौर में जब लॉन्च हुआ था उस समय जो लोग जुड़ गए थे वो लोग आज एक बड़ा अचीवमेंट किए हैं। जो लोग जुड़ के थोड़ा बहुत भी काम करते गए वो लोग आज लाखों रुपया कमा रहे हैं सर। तो वहां से हमको एक सीख मिला, इसके पहले भी हम बहुत सारी कंपनी में काम किए हैं, वहां से हमको एक सीख मिला कि शुरुआती दौर में अगर कोई जेन्युइन कंपनी आपको मिल जा रही है और उसमें जुड़ के अगर आप 1 साल अगर बढ़िया से काम कर लिए तो आप एक बड़े लेवल पे बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। तो फिर वो एक डायरी में हम नोट किए
और हमको एक अच्छी कंपनी की तलाश थी बहुत दिन से, ऐसे हम कर रहे थे अलग अलग कंपनी में तो काम कर ही रहे थे, ऐसा थोड़ी हम लोग बैठे हुए हैं। तब तक एटोमी हमको मिल गया। तो जब इसको स्टडी चाहिए सर, आपको बता रहे हैं जमीन खिसक गया सर। अच्छा, इतनी तगड़ी प्रोफाइल वाली कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में हम कहीं नहीं देखे सर। उसका प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है ना सर? आपको बता रहे हैं प्रोडक्ट महंगा नहीं है सर, सिर्फ नजरिया अलग है। अच्छा, नजरिया अलग इसलिए है, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड का एक जैसे अगर एक ग्राम का क्या रेट है, दस भरी का क्या रेट है, अभी क्या चल रहा है गोल्ड का भरी? वही 40 तक आता है ना? 40 तक आता है। अगर आपको कोई भी दुकानदार अगर 35 के रेट में कहीं अगर गोल्ड दे तो आप देखिएगा उस दुकान में लाइन लग जाएगा सर। बराबर। अब गोल्ड 40,000 तो बहुत होता है, उसके बाद भी लोग लाइन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि सस्ता है। कहने का मतलब है कि अगर क्वालिटी वाला कोई भी सामान अगर आप दे रहे हैं, गोल्ड दे रहे हैं, क्वालिटी वाला सामान दे रहे हैं, तो वहां पे लाइन लगेगा, वहां पे लोग लेंगे सर। लेकिन लेकिन मान लीजिए कोई सस्ता सामान है और उसको आप मतलब उसके रेट से थोड़ा सा अधिक रेट में देंगे तो लोग उसको लेना पसंद नहीं करेंगे सर। एक एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे, टाटा कंपनी नैनो लॉन्च किया इंडिया की मेंटेलिटी को सोच के, हमारे भी मेंटेलिटी था ऐसा ही, नैनो लॉन्च किया, नैनो जो है एक बुलेट का दाम या मोटरसाइकिल का दाम 1,00,000 रुपया देंगे, नैनो पे चार चक्का पे घूमेंगे, कितना मजा आएगा सर। लेकिन देखिए नैनो को इंडिया के लोग एक्सेप्ट नहीं किए, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किए कि उनको ऐसा नहीं चाहिए, सभी लोग चाहते हैं पैसा दे तो बढ़िया सामान मिले, भले दो पैसा अधिक लगे। तो ठीक बात है। अब देखिए स्विफ्ट डिजायर धमाका से चल रहा है, ऑल्टो चल रहा है, ठीक है, बीएमडब्ल्यू चल रहा है, लोग बुलेट उससे ज्यादा पैसा देके बुलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नैनो लोग नहीं खरीद रहे हैं। और हमें ये भी विश्वास है कि आप नैनो खरीदने जाएंगे तो नैनो आप नहीं खरीदेंगे, आप जाएंगे तो आप भी विचार बनाएंगे स्विफ्ट डिजायर का, लेकिन आप नैनो का विचार नहीं बना सकते सर। तो ये हम लोग की मेंटेलिटी है, सही दाम में सही चीज मिले। तो सर ये आपको जो भी बताया है, तो आपको जहां से भी इंफॉर्मेशन मिला है, हम नहीं जानते, ये गलत इंफॉर्मेशन है। एटोमी का प्रोडक्ट बेहतर क्वालिटी, बेहतर प्राइस है सर, और चीप है सर। जब इसको अंदर से एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा। चलिए ये तो सेकंड मैटर है, एटोमी करने का दूसरा रीजन बता रहे हैं। पहला रीजन बता दिया लॉन्चिंग दौर है, दूसरा रीजन ये है कि एक बार इसमें आप जुड़ गए तो फिर ऑल ओवर इंडिया में दोबारा किसी के साथ आपकी आईडी नहीं लग सकती है सर, वही कंपनी में। हाँ, कहीं नहीं लग सकती है, कोई कंपनी में मतलब एटोमी में तो कहीं नहीं लगेगा। यानी आपके नीचे की जो टीम है एक बार आपके साथ जुड़ गए तो फिर वो कुछ भी कर ले और ऑल ओवर इंडिया में उसकी दूसरी आईडी लगेगा ही नहीं। कैसे? उसका कौन सा डॉक्यूमेंट लिया जाता है? बता रहे हैं, इंडिया की पहली इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि पैन द्वारा वेरीफाई होता है। किसका? पैन नंबर। पैन नंबर द्वारा वेरीफाई होता है, और जिस कंपनी को गवर्नमेंट ने अपना पैन का लिंक देके रखा है, यानी यहाँ पे आपका नाम लिखने की हमको जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन हम करेंगे तो आपका पैन नंबर डालेंगे और ऑटो वेरिफिकेशन होके आपका नाम आ जाएगा, जो कि सिर्फ बैंक में ही संभव है, बैंक के अलावा और कहीं नहीं संभव है। यानी गवर्नमेंट इसको अपना सर्वर देके रखा है, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल की कंपनी है। समझ रहे। और जब आपका एक बार पैन नंबर यूज हो जाएगा तो फिर वो पैन दोबारा आपका दोबारा तो पैन बनेगा नहीं, नहीं बनेगा तो दोबारा पैन कहीं यूज नहीं होगा, तो दोबारा आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अच्छा, पूरे फैमिली में एक आईडी लगेगी सर, एक आदमी का एक ही लगेगा, एक पूरे फैमिली में एक ही आईडी लगेगा, यानी पति पत्नी के बच्चे के बीच में एक आईडी, आप सिंगल आईडी पे काम करेंगे। ये नहीं कि आप 10 लोगों का आईडी लेके मामा चाचा चाची का आईडी ले लिए, इनके नीचे उनके नीचे उनके नीचे ऐसे करके काम किए, फॉल्स आईडी डेमी आईडी ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है, ठीक है। इसके साथ मंथली रीपर्चेस का कोई टर्म कंडीशन नहीं है। बात समझिए, अगर इंडियन कंपनियां रीपर्चेस का सिर्फ टर्म कंडीशन हटा दे तो उनका सेलिंग रेशियो 70% डाउन हो जाए। 70% डाउन हो जाए मतलब कि आपको कमीशन लेने के लिए आपको हर महीने में खरीदारी करना जरूरी है सर। अब मान लीजिए आपका कमीशन बन रहा है 500 रुपया और आपको 3,000 की खरीदारी करना है, तो 3,000 रुपया आपको कहीं से ना कहीं इसकी व्यवस्था करना है, तो आप क्या है गरीब से और गरीब होते चले जाएंगे।
लेकिन यहाँ पे कोई टर्म कंडीशन नहीं है। एक बार जो 1200-1500 का आप परचेस करके अपनी आईडी को ग्रीन कर लिए, उसके बाद आपको मन करे कीजिए, ना मन करे मत कीजिए, आपका कमीशन जो बनता है वो कमीशन आता रहेगा सर। इससे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ जुड़ के धीरे 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 अपने आप को ग्रोथ कर सकता है, धीरे धीरे टीम डेवलप करेगा, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, उसके पास 500 रुपया महीना आ रहा है तो उसका मन लगेगा, वो भले खरीदारी करे चाहे ना करे। क्लियर सर? समझ गया। बाकी सिस्टम इंडियन जो भी कंपनियां का जो प्लान है, प्लान में क्या होता है, कोई 6 लेके लेके चलना है, कोई 12 लेके लेके चलना है, कोई 4 लेके लेके चलना है, कहीं से अगर ज्यादा हो गया कहीं से कम हो गया तो फिर वहां से कमीशन जनरेट नहीं होगा। और टॉप रैंक के पहुंचने के लिए कम से कम 3-4-5-6-7-8 लेक को लेके चलना है। और इसका कितना लेक? इसका सर बाइनरी कॉन्सेप्ट है सर। तो जो व्यक्ति 6 लेग पे काम कर सकता है, अगर हम 6 लेग पे धरले से काम कर सकते हैं, तो 2 लेग पे हमारा रफ्तार जो है 3 गुना हो जाएगा, यानी सक्सेस रेशियो 3 गुना हो जाएगा सर। सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा रहेगा। हाँ, सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा रहेगा। इसके बाद आप डायरेक्ट 2 से अधिक स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट आप अपने आईडी से सिर्फ 2 ही व्यक्ति को स्पॉन्सर करेंगे, तीसरे व्यक्ति को स्पॉन्सर करना होगा, तो आप जिसको स्पॉन्सर किए हैं उनके ही स्पॉन्सर आईडी से आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा, तो उनको सपोर्ट मिल जाएगा, तो उनको सपोर्ट मिल जाएगा, और वो भी 2 से अधिक नहीं कर पाएंगे तो वो भी नीचे ही के व्यक्ति से स्पॉन्सर करेंगे। तो ये सिस्टम जो है अदर जगह पे हमको नहीं मिला। और सबसे वाइटल और खास बात आपको बता रहे हैं, जिस वजह से हम एटोमी में जुड़े हैं, मार्केट के ट्रेड को समझिए कि मार्केट का ट्रेड क्या चल रहा है। सर आपको बता दें कि आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा का नाम सुने होंगे। हाँ, सुना है। ये लोग सर 10 साल के अंदर बिल गेट्स से आगे निकल गए सर। तो सर ये लोग बिल गेट्स से आगे कैसे निकल गए, ये सोचने वाली बात है। इसलिए निकल गए क्योंकि मार्केट जो है ई कॉमर्स का है, और आने वाला 10 साल ई कॉमर्स में तहलका मचाएगा सर। इस बात से आप हमसे सहमत है ना? हाँ, ये सहमत है। हाँ। क्योंकि ई कॉमर्स लोग घर बैठे सारा सामान मंगाना चाहते हैं, आप शहर में घूम रहे हैं तो ओले उबर फटाक से बुक कर रहे हैं, गाड़ी आपके दरवाजे पे आ जा रहा है, पेटीएम से आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद होटल पे है तो जोमेटो स्विगी के माध्यम से खाना मंगा रहे हैं, मतलब सब लोग चाहते हैं होम डिलीवरी हो, कहीं जाना ना पड़े, जाना ना पड़े। हाँ। हम लोगों के सीएमडी हेनगिल पार्क साहब आज से 10-12 साल पहले उन्होंने सोच लिया था कि आने वाला मार्केट जो ई कॉमर्स का आएगा, और एटोमी को एमएलएम प्लस, एमएलएम इसको नहीं कहा जा सकता, यूएलएम प्लान है, यूएलएम प्लस ई कॉमर्स बिजनेस। अच्छा। यानी हम लोग नेटवर्किंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कंपटीशन भेस्टीज, मोदी केयर, एमओ इंडिया, ओरिफ्लेम, डीएक्सएन, टियांस, इन सबसे नहीं है सर। हम लोगों का कंपटीशन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अलीबाबा से है। अच्छा। यानी हम लोग ई कॉमर्स वाले कंपनी है। ओके सर। और मार्केट का ट्रेड है ई कॉमर्स, 10-12 साल ई कॉमर्स में जम के काम होगा, उसके आगे चल के हो सके कि 10-12 साल बाद और कोई ट्रेड चेंज हो जाए, ये अलग बात है, लेकिन अभी का ट्रेड जो है ई कॉमर्स का है। तो समय बहुत ही वाइटल है, और सही समय पे सही कॉन्सेप्ट अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो हम लोगों के लिए फायदेमंद हो जाता है। बाकी कौन कितना बड़ा ब्रांड है, कौन कितना बड़ा कमाता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब ये कि हम क्या कमाते हैं और हम ब्रांड कैसे बनेंगे। हाँ, वो सही है। और सर ये कॉन्सेप्ट हमको ब्रांड बनाएगा सर, ये हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि मार्केट का ट्रेड ये है और लोगों को ई कॉमर्स पसंद आ रहा है, शुरुआती दौर है, तो किसी भी व्यक्ति को बताएंगे तो कोई भी समझ जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में सब लोग जानते हैं, जो थोड़ा सा होशियार है सब जानते हैं कि शुरुआती दौर में जुड़ जाने से एक बड़ा अचीवमेंट मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड है। ये जो कंपनी है एटोमी, ये साउथ कोरिया गवर्नमेंट की रिलेटेड कंपनी है, इसमें साउथ कोरिया गवर्नमेंट का हैंड इन्वॉल्व है। इसका प्रोडक्ट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट साउथ कोरिया गवर्नमेंट करता है, यानी उस गवर्नमेंट का जो एक संस्था है केरी, जो कि नासा के बाद उसका स्थान है। अच्छा। मतलब नासा वर्ल्ड का नंबर 1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है सर। और नासा के बाद वर्ल्ड में दूसरे नंबर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो आता है उसका नाम है केरी। केरी मीन्स कोरिया एटोमी एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 60 साल पुरानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जो कि साउथ कोरिया का गवर्नमेंट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है।
जिसके पास 3000 साइंटिस्ट हैं, 1500 पीएचडी होल्डर हैं, वर्ल्ड को 20,000 से ज्यादा फॉर्मूला दे चुका है, लीवर कैंसर का इंजेक्शन पहली बार निजात करके वर्ल्ड को दिया है। अब आप सोचिए सर, आपका इनकम जो है कैपिंग सिस्टम है कि अनलिमिटेड है? सर आपको बता दे, इस कंपनी का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ देखिए कितना बढ़िया से सीएमडी की सोच है। सीएमडी क्या किए हैं यहाँ पे, प्लान ऐसा बढ़िया तरीके से, यूनिक तरीके से डिजाइन किया है। कंपनी का सोच ये था सीएमडी का कि हम एक व्यक्ति को 1,000 करोड़ नहीं देंगे। अदर कंपनी में आप देखिएगा उसमें क्या होगा कि ऊपर लेवल पे जैसे एमओ इंडिया में ऊपर जो बैठा है ना उसको महीना में 200 करोड़ जा रहा है और बाकी के नीचे के लोगों के पास पैसा कम जा रहा है। लोग मेहनत कर रहे हैं, वो स्टॉप पे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति बैठा है, कोई 200 करोड़ पा रहा है, कोई 250 करोड़ पा रहा है, इस तरीके से आमदनी कर रहे हैं। इस कंपनी का मोटो ये है कि हम 200 करोड़ को एक व्यक्ति को ना देके प्लान इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 200 लोगों को 1-1 करोड़ दिया जाएगा, जिससे कि 200 लोग हमारे यहाँ करोड़पति बनेंगे और एक लेवल पे जाके सारे लोगों का आमदनी एक बराबर कर दिया जाएगा। यानी आज हम शुरू किए हैं तो हम 6 महीने में उस लेवल पे पहुंच गए, तो कल आप शुरू करेंगे तो कल भी आप 6 महीने के बाद और 3-4 महीने के बाद उसी लेवल पे जाके पहुंचेंगे और आपका हमारा दोनों लोगों का आमदनी एक बराबर रहेगा। अच्छा, तो ये इस लेवल पे इस तरीके से प्लान डिजाइन किया गया है कि ऊपर के टॉप पोजीशन पे जो व्यक्ति को जितना पैसा दिया जाएगा वो ना देके एक लेवल पे जाके उस पैसे को सारे लोगों में बांट दिया जाए बराबर बराबर। इससे क्या होगा कि अचीवमेंट का संख्या ज्यादा होगा और हम लोग जानते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ हम लोग नहीं कमा सकते, हम लोग 5 लाख 10 लाख 20 लाख आया बहुत है सर। तो हमको अपने कैपेसिटी से ये देखना है कि कौन से सिस्टम में हम कम मेहनत पे ज्यादा अचीवमेंट करेंगे और ज्यादा अर्न करेंगे। तो सर ये सारा चीज हमको सर लजवाब लगा और उस दिन से लेके आज तक हम एटोमी का ही काम कर रहे हैं फुल फेज में सर। और प्रोडक्ट बता दें आपको सर, इसके पास प्रोडक्ट जो है बाकी अदर कंपनियों में जो है सिर्फ फूड सप्लीमेंट और एफएमसीजी पे चलता है, और ये कंपनी फूड सप्लीमेंट तो है ही, एफएमसीजी का भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, इसके साथ कॉस्मेटिक्स है, गारमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पर्सनल केयर है, ब्यूटी केयर है, होम डेकोरेशन केयर है, इसके साथ साथ इसके मॉल पे 10,000+ प्रोडक्ट है सर। और 10,000 प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सैमसंग, एलजी, एप्सन, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरीके के तमाम प्रोडक्ट है सर। ओके, ई-कॉमर्स जैसा है? जी सर, जी सर, जी सर। तो सर एटोमी लॉन्च होने के बाद जैसे 50-60 प्रोडक्ट के साथ लॉन्च होगा, हर महीने में 10-20-30-40 प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा। ओके, कितना का पैकेज रहता है खरीदने में? सर पैकेज वैकेज कोई सिस्टम नहीं है सर, ये पैकेज सिस्टम वाला नहीं है सर। अच्छा, आप यहाँ पे किसी भी एक प्रोडक्ट से आप एंट्री कर सकते हैं। हाँ, कंपनी कह रहा है कि आपको पे आउट लेना है तो आपको 1,000-1,200 से लेके 2,000 के बीच में खरीदारी कर लेना है, वो भी जुड़ते हुए क्रम में, पैकेज में नहीं, जुड़ते हुए क्रम में, जैसे आज करिए, कल किए, परसों किए, 2 महीने में करिए, 3 महीने में करिए। जिस दिन आपका 10,000 PV कंप्लीट हो गया, ये 10,000 PV के लिए 1,000 से लेके 2,000 के बीच में खरीदारी कर लेंगे, 10,000 PV कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, 2,000 तक खरीदेंगे तो 10,000 PV हो जाता है आराम से, मतलब जरूरी नहीं है कि 2,000 से कम में हो जाएगा, 1,500 में भी हो जाएगा, 1,600 में भी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो फिर आईडिया एक्टिव हो जाती है? आईडी, जी जी जी, आईडी एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद आप कमीशन पाने का हकदार हो जाते हैं, आपके पास कमीशन आता रहता है। उसके बाद एक भी प्रोडक्ट आप नहीं खरीदेंगे तो जो भी आपका कमीशन बनेगा वो कमीशन आता रहेगा। हाँ, कंपनी का एक छोटा सा टर्म है कि पूरे साल में एक प्रोडक्ट आपको खरीदना है जरूर आपकी आईडी को एक्टिवेट रखने के लिए। अच्छा, हाँ, पूरे साल में अगर एक भी प्रोडक्ट आप नहीं खरीद रहे हैं सर तो सोचिए सर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो पैसा ही है। और आपको बता दें ये नेटवर्किंग बेस्ड कंपनी नहीं है, कंज्यूमर बेस्ड कंपनी है। कंपनी कहता है कि हमको नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं है, हमारा प्रोडक्ट में इतना दम है ना कि कंज्यूमर ऑटोमेटिक चुंबक की तरह हमारे पास आएंगे, हमारा प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल करेंगे बार बार इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए कंपनी रीपर्चेस का टर्म कंडीशन हटा दिया है। जब सर आप, हाँ, जब आपके पास प्रोडक्ट में दम होगा तो रीपर्चेस का कंडीशन आप क्यों रखेंगे? भाई प्रोडक्ट आप ले गए, आपको बढ़िया लगा तो फिर आप लेंगे सर। और जब आप हमारे पास रेंज वैरायटी है तो फिर आपको प्रोडक्ट खरीद के स्टोर करने की जरूरत नहीं है सर। भाई इस महीने में मान लीजिए पेस्ट खरीद लिए और अगले महीने में आप सोच रहे हैं कि क्या खरीदे, अब और कंपनी में गए, कंपनी में क्या खरीदे, फूड सप्लीमेंट कितना खाएंगे सर?
तो अगले महीने में आपको यहाँ पे सोचना नहीं है, किसी महीने में आप जूता खरीद लेंगे, किसी महीने में शर्ट खरीदेंगे, किसी महीने में पर्सनल केयर खरीदेंगे, किसी महीने में ब्यूटी केयर खरीदेंगे, किसी महीने में अपने भाभी जी के लिए लिपस्टिक खरीदेंगे, पाउडर खरीदेंगे, किसी महीने में बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदेंगे। तो आपको ये सब खरीदारी पे तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, हो तो ऑटोमेटिक होता रहेगा। कैसे प्रोडक्ट कैसे आता है सर? प्रोडक्ट ऑनलाइन होम डिलीवरी है सर, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट का आएगा वैसे ही इसका आएगा। अच्छा अच्छा, ऑटोमी कंपनी का नाम ऑटोमी है? एटोमी है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अपन देखेंगे उसकी वेबसाइट क्या है। वेबसाइट सर, वेबसाइट पे जाएंगे तो सर आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि अभी कोरियन लैंग्वेज में है सर। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, जरूरत पड़े तो मैं कॉल करूंगा आपको। हाँ सर, एक चीज आपको बता दें, एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जहाँ काम कर रहे हैं करिए, हम आपको एक बार भी मना नहीं करेंगे, वहाँ जो भी आपका अचीवमेंट है पे आउट है लेते रहिए। आप एटोमी में रजिस्ट्रेशन करके अपना रखिए, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी कब कौन सा अपॉर्चुनिटी किसका काम आ जाएगा ये कोई नहीं जानता। हम भी यही काम किए थे, हम भी अपना रजिस्ट्रेशन करके रखे थे सर, और जब इसको डिटेल स्टडी की हमको अच्छा लगा, क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन में पैसा नहीं लगता है सर, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए चार डॉक्यूमेंट्स आपका लगता है, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन नंबर और आधार का फ्रंट और बैक। ओके, अच्छा अच्छा, तो मान लीजिए सपोज दैट ये आप डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सेंड कर दिए दो मिनट के लिए मान लीजिए, और हम आपका रजिस्ट्रेशन कर दिए। ओके, अब आप एटोमी को स्टडी करने लगे, आपको अच्छा लगा तो आप आगे करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, जहाँ कर रहे हैं वहाँ करेंगे। इसमें आपका जाता क्या है? कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज है, अगर रजिस्ट्रेशन करके अगर आप छोड़ दिए तो खुदा ना खास्ता आने वाले डेट का ये आपका लकी बन जाए, आपका किस्मत चेंज कर दे। जैसे हम किए थे, हम आपको बता रहे हैं, कहने पर आप बिलीव नहीं कीजिएगा, हमारे नीचे 6000 प्लस का टीम हो चुका है सर। अच्छा, एक साइड में? एक साइड में नहीं सर, दोनों साइड में, क्योंकि एक साइड में जब टीम बढ़ गया तो फिर हम कहेंगे सर हम कुछ नहीं किए, एक साइड में इतना टीम बढ़ गया तो फिर दूसरे साइड में हम थोड़ा सा ध्यान देना चालू कर दिए, ठीक। और धीरे 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 लोगों को इतना पसंद आया ये सिस्टम कि लोग ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर दिए। और हम आपको बता रहे हैं कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री के दिग्गज लीडर मतलब कैसे हमारे टीम में आ गए ये हमको खुद नहीं पता है सर, उनको तो हमको हमारे पास क्षमता भी नहीं है हम उनको मोटिवेट कर सके, लेकिन वो लोग ऑटोमेटिक आ गए, सिस्टम में दम था आगे। ठीक है, मैं देखूंगा। ओके सर, और आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप डॉक्यूमेंट्स हमारे रिक्वेस्ट पर अगर आपको अच्छा लगे तो डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ हाँ ठीक है, मैं नंबर सेव रखता हूँ जी सर, ये मेरा नंबर है। ओके सर, थैंक यू सर, आपके बात करके बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, चलिए, ओके थैंक यू। ओके थैंक यू।